शिवपाल ने मैनपुरी चुनाव के सबसे बड़े सस्पेंस पर तोड़ी चुप्पी। टेले का साथ छोड़ बहू डिंपल का समर्थन करने का किया ऐलान। शिवपाल बोले, बहू डिंपल को जिताना है इलेक्शन। मुलायम सिंह यादव की विरासत मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव का बिगुल बजा तो हर किसी की निगाहें शिवपाल को ढूंढने लगी। भतीजे अखिलेश से नाखुश शिवपाल भी संकट में फंस चुके थे, क्योंकि एक तरफ भाई की विरासत की बात थी तो दूसरी तरफ भतीजे से अपमान का बदला। लेकिन शिवपाल अभी तक चुप्पी साधे रहे। लेकिन मंगलवार को शिवपाल के करीबी को भाजपा से टिकट मिलने के बाद शिवपाल पर मुलायम परिवार का दबाव बना और बुधवार को शिवपाल यादव ने कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाकर ऐलान कर दिया कि बड़ी बहू डिंपल को जिताना है, नेताजी की विरासत बचानी है। मैनपुरी के SS पब्लिक स्कूल में हुई बैठक से निकलने के बाद शिवपाल के साथियों ने शिवपाल के ऐलान का खुलासा कर दिया। बिल्कुल सभा में दिए वोट साइकिल हम लोगों के सबके नेता माननीय शिवपाल सिंह जी हैं, जो उनका आदेश रहेगा उसका हम पालन करेंगे। और उन्होंने कहा है कि आगे की रणनीति ये है कि हमारे परिवार का मसला है, हमारी बहू है, हम उसको आशीर्वाद देंगे और साइकिल को जिताएंगे। नेताजी की जो सच्ची श्रद्धांजलि है उसको देखते हुए जो निर्णय आदरणीय शिवपाल सिंह जी ने लिया है वो यही है कि डिंपल यादव जी को जिताएं। शिवपाल के इस ऐलान के बाद जहां सपा खेमे में खुशी की लहर है, वहीं खुद को शिवपाल का चेला घोषित कर चुनाव लड़ रहे भाजपा प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य को झटका लग सकता है, क्योंकि दोपहर तक वो दावा कर रहे थे कि उनके साथ शिवपाल का आशीर्वाद है। आपको बता दें कि भाजपा प्रत्याशी का नाम घोषित होते ही सपा ने शिवपाल यादव को उपचुनाव में स्टार प्रचारक बना दिया। इससे पहले आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव में शिवपाल की अनदेखी किए जाने से नाराज शिवपाल को उनकी जरूरत पड़ने पर अखिलेश ने स्टार प्रचारक बनाकर बड़ा दांव खेल दिया और आखिर मजबूर होकर शिवपाल को साइकिल पर सवार होना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, NTTV भारत। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।